अपना जो बाकी बचा हुआ है उसमें जाएंगे। एग्जाम एमसीक्यू होगा, सब लोग एमसीक्यू पहले भी दे चुके हैं, यस सर, पहली बार नहीं है। पिछले यस साल हम लोग सर, काफी इस पे यस सर, मेहनत किए थे, वीडियो बना बना के भेजे थे। इस बार बच्चे जान गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि गूगल, चूंकि ये गूगल फॉर्म पे एग्जाम हो रहा है, तो एक जीमेल आईडी होना जरूरी है, आपका अपना हो, पेरेंट्स का हो या किसी का भी हो, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एक ही जीमेल आईडी वैलिड होगा। आप सोचिए कि एक ही जीमेल आईडी से तीन चार स्टूडेंट या तीन चार बार फॉर्म सबमिट कर दें, आंसर सबमिट कर दें, नहीं होगा। अगर दो भाई बहन हैं एक ही घर में और सोचेंगे एक ही फोन से एक ही आईडी से दोनों लोग आंसर सबमिट कर दें, नहीं होगा। अगर एक ही फोन से भी करना है तो दो ईमेल आईडी होना चाहिए जीमेल का। ये क्लियर है सबको? सबके पास अपना जीमेल अकाउंट है या यस सर, पेरेंट्स का? यस सर, क्योंकि उस समय यस आप सर, पैनिक क्रिएट करोगे कि सर मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, फोन नहीं खुल रहा है, तो उस समय हम लोग इतना ज्यादा फोन आता है कि बहुत इंटरटेन नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए ये सब चीज को पहले से अपना प्रिपरेशन करके हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछले साल जैसे एक क्या बोलते हैं, रिहर्सल, मॉक टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, तो मॉक टेस्ट भी एक करवा ले 25 25 को, संडे को। कोशिश करेंगे, अभी श्योर नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन वेश्चन बनाना पड़ेगा, सबको बच्चों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जीमेल आईडी होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, जितना फील्ड है उसमें सोचो कोई फील्ड एस्केप करके आगे बढ़ जाए, एडमिशन नंबर नहीं भरे या नेम नहीं भरे या कुछ भी ऐसा छोड़ करके आगे बढ़ जाए, तो नहीं, जिसमें रेड स्टार लगा होगा यानी कि उसमें बिना उसका ऑप्शन चूज किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे आपका पर्सनल डिटेल भरने का हो, उसमें जो पूछ रहा है वो भरिए ठीक से। एडमिशन नंबर है उसमें नंबर नहीं भर के चाहोगे कि टेक्स्ट डाले तो नहीं लेगा, नंबर ही लेगा। रोल नंबर है उसमें नंबर ही लेगा। तो इसलिए ये सब चीज में ध्यान देना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्म को रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे होता है ना कि नेट नहीं चल रहा है तो खींच दिए थोड़ा सा पीछे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दिए तो रिफ्रेश हो जाता है अपने आप। तो रिफ्रेश करोगे तो जितना सबमिट किए हो आंसर ये क्लिक किए हो सब फिर से इरेज हो जाएगा, सारा फिर से भरना पड़ेगा। तो इसलिए वो रिफ्रेश नहीं करना है, रिफ्रेश बटन दबा के भी नहीं, स्क्रॉल करके भी नहीं। जब पूरा हो जाए सारा आंसर तब एक बार सबमिट बटन पे, तो सबमिट पे क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा थैंक्स फॉर सबमिशन या योर आंसर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ गया। अब उसके बाद कोई पैनिक नहीं करना है कि सर मैसेज आ गया अब क्या करें, फिर से फॉर्म भरने को दे रहा है या स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं। ग्रुप पे तो मैसेज कर नहीं सकते वो लोग, पर्सनल पे भी कोई जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट भेजने का। सबमिट हो गया, आप देख लिए, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ हम सबमिट किए हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आने के भी दो कारण हो सकते हैं, एक तो कोई टेक्निकल एरर हो गया हो, या दूसरा सबसे बड़ा एरर है कि आपका फी नहीं जमा होगा, आपके क्लास के ग्रुप में आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, तो उसके लिए क्लास टीचर से बात करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो कि हमारा आंसर सबमिट हो गया है, उसको भेजने की जरूरत नहीं है। तो 1 से 12 तक का सारे क्लास का हमको एग्जाम लेना है तो सारा स्क्रीनशॉट सेव करेंगे तो मेरे मोबाइल बैंड बच जाएगा उसका, फिर अगले दिन का तुम लोगों को फॉर्मो भेजने का मेरे पास नहीं रहेगा स्पेस। और कुछ सिलेबस तो सबको पता है, सिलेबस सर एक बार और बता दीजिए। फर्स्ट लेसन है, 9th क्लास में फर्स्ट लेसन चैप्टर ही है, वन, मैटर यस अराउंड सर, अस या मैटर इन आवर सराउंडिंग जो भी नाम है। और बाकी सब्जेक्ट में भी अगर नहीं मिला है तो अपने जो कंसर्न टीचर हैं उनसे पूछ लोगे कि सर क्या सिलेबस है। हालांकि वो सब लोग भेजे होंगे ग्रुप में यूनिट टेस्ट के समय ही, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो या मोबाइल से डिलीट हो गया हो, तो अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आज और कल में ही उसको पूछ करके क्लियर कर लो ताकि रिविजन कर सको अच्छे से। और किसी को कुछ पूछना है एग्जाम के रिगार्डिंग? नो सर, नो सर सर, एग्जाम 14 नंबर नो का सर, होगा।
एग्जाम 40 मार्क्स का होगा, 40 एमसीक्यू होंगे, चारों सारे क्वेश्चन के लगभग चार ऑप्शन होंगे। ध्यान से हड़बड़ी करके नहीं, मेरा भी बेटा 9 में है तो वो उसका हम देखें, आदत 8-7 में है, कि सोचेगा कि 10 ही मिनट में एकदम सबमिट कर दें, कोई रिवार्ड अवार्ड मिलेगा कि बहुत जल्दी सबसे पहले सबमिट कर दिए प्रथम बाबू तो उनको स्टेज पे बुला के सम्मानित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आंसर सिलेक्ट कर लो, उसके बाद 2-3 बार मिला लो, कन्फर्म हो जाओ, क्योंकि एक बार क्लिक कर दिए तो गया हाथ से, अब उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। चलो लेसन 1 से किसी कुछ पूछना है? लेसन 1 जो हम लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस है उससे किसी को कुछ पूछना है? चलो तब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड लेसन में, जहां हम लोग का खत्म किए थे वहां से। स्क्रीन पे आ गया? यस सर। सस्पेंशन हम लोग पढ़ रहे थे कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग करते रहते हैं, और जब उस मिक्सचर को छोड़ दिया जाएगा तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, और चूंकि वो पार्टिकल नीचे बैठते हैं इसलिए उनको सेडिमेंट कहते हैं, और जब वो फ्लोट करते रहते हैं तब उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, जैसे सॉल्यूशन के 6-7 प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी तरह से इसका भी है। पहला क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है, इसके भी कंपोनेंट केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं लाइक अदर मिक्सचर। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स इसके या जो है नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, यानी कि इतने बड़े होते हैं कि आप उनको बिना चश्मा लगाए बिना माइक्रोस्कोप लगाए भी, अब आपकी आंखें खराब है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हेल्दी आई है नॉर्मल आई है तो आप बिना ग्लास यूज किए नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज 100 नैनोमीटर से बड़े यानी कि 10^-7 मीटर से बड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फिल्टर पेपर से ये पास नहीं हो सकते, जैसे बालू और पानी का मिक्सचर है, अगर आप उस मिक्सचर को एक फिल्टर पेपर या पतले कपड़े से छानना चाहोगे तो छान सकते हो, क्योंकि वो जो पार्टिकल है सैंड के सस्पेंडेड पार्टिकल वो फिल्टर से पास नहीं होंगे, इसलिए आपको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से इसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर इसको हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे आधे घंटे, तो डिपेंड करेगा किस चीज का मिक्सचर है, तो जो पार्टिकल सस्पेंडेड है वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि ये जो आपका सस्पेंशन है ये अनस्टेबल मिक्सचर है, स्टेबल नहीं है ट्रू सोल्यूशन की तरह। नेक्स्ट क्या है, स्पिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि जब इस सस्पेंशन के कोई कंटेनर है उससे लेजर बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा, वो स्कैटर हो जाएगा, जो बीम ऑफ लाइट है स्कैटर हो जाएगा। क्यों स्कैटर होता है जी, कोई बताएगा? सर क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं बड़े होते हैं और इसके कारण वो लाइट को लाइट उसके पास, क्योंकि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल लाइट को जो होता है मीडियम टकराएगा तो वो डिफरेंट बीम्स में स्कैटर हो जाएगा, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और लास्ट क्या है कि ये ओपेक भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है। ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ये सब क्लास 5 में पढ़े होंगे आप लोग। ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार दिखे, ट्रांसल्यूसेंट मतलब पार्शियली लाइट आर पार हो सके, और ओपेक मतलब लाइट आर पार नहीं जा सके, जैसे ये दीवार हमारा है पीछे में दिख रहा होगा तो ये ओपेक हो गया, क्योंकि इसके लाइट अगर इस रूम में जलाएं और सोचे कि बाहर में लाइट चला जाए अपने आप सब दरवाजा खिड़की बंद होने के बाद तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लास लगा दे ग्राउंड ग्लास तो उससे थोड़ा सा लाइट पार्शियली जाएगा, यानी कि वो जो ग्लास ग्राउंड ग्लास है वो ट्रांसल्यूसेंट है, और अगर प्लेन ग्लास लगा दें तो आर पार आराम से चला जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो सस्पेंशन जो है
वो डिपेंड करेगा कि अगर मान लो सैंड का बना हुआ है तो ओपेक हो सकता है, मान लो मिट्टी का बना हुआ है तो ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, सोप का सोल्यूशन हो तो ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा सस्पेंशन, जब भी होगा तो ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट ही होगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, कोलाइड या कोलाइडल सोल्यूशन। तो आप देखो देखोगे कि इसके नाम में सॉल्यूशन लगा हुआ है और जो सॉल्यूशन है ओरिजिनल उसके पहले ट्रू लगाया जाता है। तो चूंकि जब कोलाइडल सॉल्यूशन का कंसेप्ट आ गया तो सॉल्यूशन को दो टाइप का कर दिया गया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मिक्सचर है जो होता हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखने में होमोजेनियस दिखता है। जैसे आप ब्लड जानते हो, ब्लड ब्लड इज ए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ब्लड इज अ क्वेश्चन है, कोलाइडल बाद में पहुंचेंगे हम लोग। ब्लड में क्या क्या मिक्स होता है सर? ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, ये सब। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट है ना, और वाटर, ये सारे का मिक्सचर होता है। क्या ब्लड में देख करके आप पैथोलॉजिकल लैब में नहीं है, घर पे कोई ब्लड है उसमें देख करके बता सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल कहाँ है, रेड ब्लड सेल कहाँ है, प्लाज्मा कहाँ है, प्लेटलेट कहाँ है, या नहीं बता सकते? तो दिखने में कैसा लग रहा है वो मिक्सचर, होमोजेनियस है हेट्रोजीनियस? होमोजेनियस। होमोजेनियस लेकिन एक्चुअली में है वो हेट्रोजीनियस। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो हेट्रोजीनियस है? तो वो जो टिंडल इफेक्ट है वो शो करेगा। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग होगा, यानी स्कैटरिंग तभी होगा जब सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, और सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, होमोजेनियस नहीं होगा, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच अपीयर्स टू बी ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन द साइज ऑफ सॉल्यूशन एंड द साइज ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होंगे। छोटे, हाँ, यानी कि न बहुत बड़े न बहुत छोटे, सॉल्यूशन की तरह छोटे नहीं होंगे और सस्पेंशन की तरह बहुत बड़े नहीं होंगे। तो जो मेन कॉमन एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन के वो है ब्लड, मिल्क, सोप सॉल्यूशन, फोम। फोम जानते हो लोग ना, आजकल बर्थडे वर्थडे में खूब यूज होता है। yes, पेंट, स्मोक, ये सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। अब सॉल्यूशन की जब बात आती है तो दो पार्ट होता है, एक पार्ट हो गया आपको सॉल्यूट और एक पार्ट हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं जो कम अमाउंट में हो? वेरी गुड। और जो सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में, उसी तरह से यहाँ पे दो पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन के, पहला है डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम। सेम उसी तरह से है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो डिस्पर्सिंग मीडियम और जो कम अमाउंट में है वो डिस्पर्स फेज। तो जैसे आप मान लो कि फॉग की बात करते हैं, फॉग जानते हैं ना, कुहासा? यस सर। फॉग में किस किस चीज का मिक्सचर हुआ? वाटर वेपर, वाटर वेपर और एयर, एयर और वाटर वेपर है ना। तो उसमें ज्यादा क्या हुआ? एयर, मान लो वाटर वेपर नहीं, हम लोग वाटर ही मान लेते हैं, लिक्विड ही मान लेते हैं। तो ज्यादा कौन है, एयर की वाटर? सर एयर। एयर, एयर क्या हो गया? डिस्पर्सिंग मीडियम। और वाटर क्या हो गया? डिस्पर्स, ठीक है। तो फॉग में ये हो गया। अब यही अगर आपको स्मोक की बात करें तो स्मोक में क्या हो जाएगा? एयर में डस्ट पार्टिकल्स या सूट पार्टिकल्स मिक्स है ना, या दूसरे गैस के मिक्स है। एयर क्या हो गया? डिस्पर्सिंग मीडियम। और जो दूसरे इम्प्यूरिटीज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल, वो क्या हो गए? डिस्पर्स फेज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो सर।
टॉप सॉल्यूशन में बताओ तुम लोग, टॉप सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा और डिस्पर्स फेज क्या होगा? और टॉप डिस्पर्स फेज होगा। वेरी गुड। और फोम में सर? फोम में सर वाटर डिस्पर्स फेज होगा और सर एयर जो होगा डिस्पर्स मीडियम। एयर जो होगा वो डिस्पर्स फेज होगा क्योंकि बबल्स बनते हैं ना फोम में, और डिस्पर्सिंग मीडियम में जो वो सोप का या जो भी केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो आपका हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे मान लो कि आप क्रीम का फॉर्म बना रहे हो तो क्रीम जो है वो हो गया आपका डिस्पर्सिंग मीडियम और एयर जो हो गया उसमें डिस्पर्स फेज हो गया। तो ये आराम से हम लोग थोड़ा सा उससे, जैसे आप पेंट की बात करते हैं तो पेंट जैसे आप लोग देखते हो कि घर पे लाते हैं पेंट जब करने लगते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा हो उसमें क्या मिलाते हैं? थिनर मिलाते हैं। तो थिनर क्या होता है? वो स्पिरिट होता है, एल्कोहल होता है। तो यानी कि जो पेंट का मेन कंपोनेंट हुआ, जो डाई हुआ, वो हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम और उसमें एल्कोहल या स्पिरिट जो मिला रहे हैं वो हो गया डिस्पर्स फेज। क्लियर? यस सर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉपर्टीज का है वही डिफिनेशन में जो दिए हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन दिखता है होमोजीनियस की तरह। दूसरा क्या है, इसके पार्टिकल चार्ज होते हैं, वो ये टिंडल इफेक्ट शो करने में ये भी बहुत बड़ा रोल है। एक आप लोग जिगजैग मोशन सुने हो लोग नाम, जिगजैग मोशन? यस सर। यस सर। क्या होता है जिगजैग मोशन? यस सर। सर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सर टू एंड फ्रो? नहीं, वो तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चला रहा है, एक आदमी साइकिल चला रहा है स्ट्रेट रोड पे चला रहा है तो कैसा मोशन होगा उसका? क्वेश्चन सुने? यूनिफॉर्म मोशन। साइकिल एक आदमी स्ट्रेट रोड पे चला रहा है, यूनिफॉर्म मोशन भी मान लो होगा, जरूरी नहीं है स्ट्रेट रोड, हम ये नहीं बोले कि स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रेट रोड पे चला रहा है तो लीनियर मोशन, कौन सा मोशन कहलाएगा? लीनियर मोशन। स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, अगर वो कर्व रोड पे या ऐसे सर्किल में चला रहा है तो कैसा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। लेकिन देखते हो ना आजकल के नए हीरो लोग रोड पे ऐसे ऐसे बाइक चलाते हैं, ये कौन सा मोशन कहलाएगा? सर्पेंटाइल मोशन, जिगजैग मोशन, यही जिगजैग मोशन कहलाएगा। यानी कि कोई डायरेक्शन का आता पता नहीं है, कभी इस डायरेक्शन कभी उस डायरेक्शन। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, तो कोलिजन होगा उनके बीच में। कोलिजन होगा तो कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, जैसे कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो जो गोटियां होती है वो इधर उधर बिखर जाता है ना, कोई किधर जाता है कोई किधर जाता है, वो भी जिगजैग मोशन है। इस तरह से जो पार्टिकल है मेटेरियल के, उनका जो मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होता है, स्पेशली गैसेस पार्टिकल्स में और चार्ज पार्टिकल में, तो उसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। और इस प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट, तो इसलिए उनके ऑनर में इस मूवमेंट को, इस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है या ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो कोलाइडल के जो पार्टिकल है कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े और 10 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से बड़े और 100 नैनोमीटर से छोटे, यानी कि 10^-5 से 10^-7 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो इसलिए इनके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो हैवी काफी क्या बोलते हैं मैग्नीफाइड लेंस जिसमें होता है उस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। हाँ, पावरफुल माइक्रोस्कोप जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फिल्टर पेपर से ये इसके भी पार्टिकल आर पार नहीं जा सकते, यानी कि ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग इसको अलग नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते इस कंपोनेंट को। लेकिन चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं तो इनको कोगुलेशन के थ्रू चार्ज, जैसे आप लेबोरेटरी में जाके कभी ये
पैथोलॉजिकल लैब में कभी गए हो जहाँ ब्लड वलड टेस्ट होता है? भगवान yes, ना करे कभी जाना पड़े, लेकिन yes, अगर कभी जाए तो उसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे ब्लड आपका सैंपल लिया तो जैसे ब्लड का ग्रुप बताना तो सिंपल स्लाइड पे वो टेस्ट करके बता देता है, लेकिन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं जैसे मान लो कि इकोलाई बीकोलाई सबका टेस्ट है या कल्चर करता है, तो उसमें क्या होगा कि एक एनालाइजर होता है, उसमें ब्लड का स्लाइड पे रख दिया जाएगा, काफी तेज वो मूवमेंट होता है, तो उसमें जो पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल है वो सेपरेशन उनके उस मेथड के थ्रू होता है, तो उस मेथड से वो थोड़ा आगे पढ़ना है, 12th पढ़ने को मिलेगा 11th में, उस मेथड से इसके पार्टिकल को अलग किया जा सकता है चार्ज पार्टिकल के, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते, और इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं ज्यादातर, कुछ केसेस में होते भी हैं तो ज्यादातर सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि जनरली इसको स्टेबल माना जाता है, और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि जब बीम ऑफ लाइट इससे आर पार जाएगा तो वो स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन सा है। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? आवाज आ रही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. अब कुछ टर्म्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से जुड़े हुए, जैसे कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका जब चार्ज लूज होगा, और जब चार्ज लूज होगा आपस में जुड़ के वो बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे, यानी कि थक्का जमने, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, ब्लड जम गया, तो दैट इज कोगुलेशन। जो एग है, एग बॉयल करते हैं ना, तो जो उसके अंदर का लिक्विड है वो जम करके एक जगह इकट्ठा होकर सॉलिड बन जाता है, तो वो दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन। तो जब छोटे पार्टिकल्स अपना चार्ज लूज करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। और जनरली उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइट आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाएगा, वो खुद भी आयनाइज होगा और जो उसके अंदर डिजोल्व करेंगे उसको भी आयनाइज करेगा। तो आपका NaCl, बेरियम क्लोराइड, एलम, एलम का हिंदी कोई बताएगा? फिटकरी। पोटास एलम भी बोलते हैं इसको। फॉर्मूला ये है, इसको नोट कर लोगे, क्योंकि ये क्विज विज होता है जनरली जो बड़े हायर क्लास के या कम्पिटिटिव एग्जाम के उसमें पूछा जाता है। तो ये सब जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जितने एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो जो पार्टिकल्स अपना चार्ज लूज करते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग को अच्छा भी पढ़ना है आगे, लोडिंग जानते होंगे लोग, लोडिंग सिक्स क्लास में पढ़े होंगे लोग। यस सर, जानते हैं। सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज कॉल्ड लोडिंग। तो जैसे कि आप मान लो कि 1000 लीटर का टंकी है पानी का और उसमें मिट्टी घुला हुआ है, तो उसको सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा नहीं? तो उसमें क्या किया जाता है कि फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो वो जो मान लो कि जो काम 3 घंटे में होना है वो 30 मिनट में हो जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो यानी कि जल्दी वो कोगुलेट हो जाएंगे। किसके चलते? एलम के चलते। दैट इज कॉल्ड लोडिंग। पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा सा उसके बारे में। तो कोगुलेशन क्लियर हो गया? कोगुलेशन मतलब इकट्ठा होना, पार्टिकल्स का अपना चार्ज लूज करके एक बड़ा पार्टिकल बनाना और नीचे सेटल डाउन होना, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। और एमल्सन किसको बोलते हैं? एमल्सन का नाम सुने हो कभी तुम लोग अपने डेली लाइफ में? नो सर। टीवी पे कभी पेंट का एड वेड आता है ना, तो उसको ध्यान से देखना, उसमें पेंट के एड में एमल्सन मिल जाएगा तुम लोगों को। बर्जर, नेरोलैक, एशियन पेंट सब का एड आता है ना, या कभी पेंट का डब्बा कभी घर पे मिले
उस पर पढ़ना, जो खास करके जो मेटल पे जो पेंट किया जाता है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा एमल्सन। एमल्सन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो खैर रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसमें साउंड क्लियर मिलेगा, जहाँ पे क्लियर नहीं होगा दोबारा पूछ लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को एमल्सन बोलते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर एमल्सन, वाटर इन ऑयल एमल्सन। अब ऑयल इन वाटर मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो वाटर हुआ और डिस्पर्स फेज ऑयल हुआ, और वाटर इन ऑयल हुआ उल्टा हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम ऑयल और डिस्पर्स फेज वाटर। और इसमें जो एमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए अलग से कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं उसको बोलते हैं एमल्सीफायर्स और एमल्सीफाइंग एजेंट डिजोल्व करने के लिए, जैसे गम हो गया, प्रोटीन हो गया, सोप हो गया, ये सारे आपके एमल्सीफायर्स या एमल्सीफाइंग एजेंट्स कहलाते हैं। अब ये कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल, ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, इसको ध्यान से देखोगे और बुक से या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से पेयर पे नोट कर लोगे। जैसे टाइप है, ये थर्ड कॉलम जो है वो टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन का, और उस टाइप का डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, ये ग्रुप कॉलम वन और टू में है और कॉलम फोर में उसका एग्जाम्पल है। तो जैसे पहला टाइप है एरोसोल, एरोसोल का नाम सुने होंगे लोग, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में आपको स्मोक स्मोक निकलता है उसको बोलते हैं। एरोसोल दो टाइप का है, एक है लिक्विड में गैस, मतलब गैस में लिक्विड यानी डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो गया और उसमें घुला हुआ है लिक्विड, जैसे हम लोग फॉग की बात किए या क्लाउड की बात किए या मिस्ट। अच्छा मिस्ट बताओ तो क्या होता है? आवाज आ रही है जी? यस सर। हाँ बीच में कट गया था, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ तक सुने थे तुम लोग, कहाँ तक बताए थे? सर एरोसोल। एरोसोल, तो एरोसोल में मिस्ट के बारे में पूछे थे तुम लोगों से, बताओ तो मिस्ट क्या होता है? किसी को मालूम है? फॉग तो सब लोग जानते हैं। हाँ सर, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में। जैसे कभी कभी देखोगे कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन एकदम छोटे छोटे बारिश की बूंदे जो है, बूंदे भी नहीं कहेंगे उसको, लगेगा कोई चीज झर रहा है। कभी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो उससे जो पानी वाटर ड्रॉपलेट रात में इकट्ठा हुए होते हैं तो एकदम धीरे धीरे लगेगा कि मतलब बिल्कुल स्मॉल मिनट पार्टिकल्स बोलेंगे वाटर के, वैसा आएगा। That is called mist. अब वो fog हो चाहे cloud हो चाहे mist हो, वो सारे air में बनने हुए। Air हो गया उसमें आपको dispersing medium यानी gas dispersing medium, और उसमें water जो है वो हो गया dispersed phase हो गया liquid। दूसरा aerosol है जो gas में solid होगा, तो smoke हो गया या गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं हो गया, वो सारे aerosol हैं gas in solid, solid in gas example। तीसरा फोम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि लिक्विड उसमें हो गया आपका डिस्पर्सिंग मीडियम और जो गैस यानी एयर बबल्स है वो हो गया डिस्पर्स फेज। फोम का एग्जांपल सोविंग सेविंग क्रीम या आपको ये बर्थडे वर्डे में जो आजकल फोम यूज कर रहे हैं। एमल्सन की बात हो ही गई, एमल्सन के एग्जांपल हो गया मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, पेंट हो गया। एंड नेक्स्ट है सोल, SOL, सोल। सोल क्या है? उसमें लिक्विड होगा डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स से जो है सॉलिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, मड यानी कीचड़। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में हम लोग शायद पहले बात किए थे एक बार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुने हो लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? यस सर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को बोलते हैं
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड का काम करता है, एसिडिटी से रिलीफ देता है, तो उसमें आपका वाटर हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल है जो सॉलिड होता है वो हो गया आपका डिस्पर्स फेज और उनके मिक्सचर से बना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मर्ड और मार्स देखो दलदल और कीचड़ दोनों में अंतर है, अगर ज्यादा मिट्टी है पानी कम है तो वो हो गया दलदल, पानी ज्यादा है मिट्टी कम है तो वो हुआ कीचड़। तो आपको जब लिक्विड यानी पानी ज्यादा है और मिट्टी कम होगा तो वो मड बनेगा और वो आपको सोल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एक और फोम है, जो पहला जो फोम था वो गैस लिक्विड में था और ये जो दूसरा फोम है ये गैस सॉलिड में है, जैसे आप गद्दा जो हम लोग के घर पे होता है, स्पंज है, प्यूमाइस है, फोम, जो फोम दो टाइप का होता है ना, एक जो फोम ये थर्मोकोल का ये जो है ये भी आप एक तरह का फोम ही है, या गद्दे में फोम लगा होता है, गाड़ी के सीट कवर सीट के अंदर फोम लगा होता है, ये सारे जो फोम है रबड़ है या प्यूमाइस है या स्पंज है ये सारे क्या है सॉलिड में एयर बबल्स ट्रैप किए हुए हैं, तो इसलिए उसको भी फोम ही कहा जाएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल। नेक्स्ट है जेल, जैसे आजकल बहुत सारे जेल के सब्सटेंस आ रहे हैं, खाने वाले टॉफी भी जेल जेली के फॉर्म में आ रहे हैं, आपको टूथपेस्ट जेल के फॉर्म में आ रहा है, साबुन भी इवन जेल के फॉर्म में आ रहा है जो बॉडी वॉश होता है। तो आपको जेल में क्या हुआ सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है तो वो जेल कहलाएगा, जेली चीज बटर और जो टॉफी भी है वो सारे एग्जाम्पल हो गए जेल के। और लास्ट है आपका सॉलिड सॉल, यानी कि डिस्पर्सिंग फेज भी सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड, जैसे आप ये जो कलर्ड ग्लास होते हैं पत्थर जो हम लोग पहनते हैं नीलम मूंगा ये सब कहलाता है, तो जिसको जेमस्टोन बोलते हैं, तो ये सारे के सारे आपको सॉलिड सॉल के एग्जांपल है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक्शन। हाजी सर रूबी, हाँ रूबी, रूबी नीलम पुखराज ये सारे के सारे जो है आपको जेमस्टोन है और ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है सॉलिड इंटू सॉलिड। तो ये जो पूरा टेबल है इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब एप्लीकेशन है, टाइम कितना बचा हुआ हम लोगों के पास, एक मिनट सर। एप्लीकेशन छोड़ देते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे किया जाएगा कल, ठीक है, मीटिंग समाप्त किया जाए। सर जितना पढ़ा है सर उसमें नोट्स भेज दीजिएगा सर, भेज देंगे एक साथ भेज देंगे। मैं अभी तुम लोग एग्जाम का तैयारी करो, नोट्स जो है इस चैप्टर का हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद एक साथ भेज देंगे। ओके सर, बाय सर, बाय।